हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ। मेरा नाम ऋतुवीरा ऋतुवीरा संजय चव्हाण। मैं कुर्ला ईस्ट उपासना केंद्र से हूँ। मैं गुरुक्षेत्र में सेवादारी हूँ। मैं आप सब लोगों को हाल ही में यानी कि 20 फरवरी 2016 को मुझे आया हुआ अनुभव बोलने से मेरे बापू की प्रचिति आपको बताने के लिए यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। 20 फरवरी 2016 को मैं, मेरे भाई और मेरे पिताजी, हम लोग कुछ काम से सातारा गए थे। भाई को एक कंपनी में विजिट थी। 20 फरवरी को हमारा आने का दौरा था। वहाँ का लगभग हमारा काम 3 बजे तक चलने वाला था, पर हाल ही सुबह ही सब लोगों को न्यूज़ पहुँची थी कि लोनावला घाट में ऑयल टैंकर लीक होने की वजह से पूरे घाट में कम से कम 9 घंटे का ट्रैफिक चल रहा है। ये न्यूज़ हमें तो वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन हम अपने ही काम में थे, बोला शाम की शाम देखेंगे। पर शाम को हमारा 3:30 बजे तक काम हो गया। काम होने के बाद हम लोग वापस आने के लिए निकले। 4:30 बजे काम होते ही जैसे भाई ने वापस फ़ोन किया तो सब लोग बोले नहीं, ट्रैफिक तो कम हो गया है, आप निकल सकते। हम लोग उमरस गांव से सातारा तक के लिए निकल पड़े। जैसे ही गाड़ी में हम बैठे, गाड़ी की स्पीड कम से कम 110 के रफ्तार से हम चल रहे थे। बैठने के बाद मुझे मेरी सहेली बापू भक्त ही वृंदा लाला का फ़ोन आया। वो बांद्रा MTNL में काम करती है और वहीं उसी दिन सुबह उनके ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पर AC कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट की वजह से पूरे इलेक्ट्रॉनिक में शॉर्ट सर्किट हो गए और ऑफिस में भागम भागी हो गई। वो जैसे वैसे अपनी पर्स और अपना सामान जुटा के सारा स्टाफ नीचे आ गया था और वो जैसे ही घर पहुंची उसने मुझे फ़ोन करके बता रही थी कि देखो ऐसे सब क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने आप को स्टडी रख के वो घर पहुंची और कैसे बापू का अनुभव आया वो मुझे शेयर करे जाए। कम से कम आधा घंटा हम लोग दोनों फ़ोन पे बातें कर रहे थे। फ़ोन रख लिया, जैसे ही बातें हो गई फ़ोन रखते ही तब तक पिताजी ने आवाज़ दी, बेटा हम लोग सातारा शहर में पहुँच गए, यहाँ के पेड़ा बहुत फेमस है, तो चलते वक्त हम पेड़ा लेके चलते। तो हम लोग गाड़ी रुक गई पेड़े के स्वीट के दुकान के सामने। हम लोग तीनों जन नीचे उतरे, वहाँ से हर किसी ने अपने अपने हिसाब से पेड़े ले लिए। पेड़े लेने के बाद गाड़ी की तरफ आते वक्त पिताजी बोले कि मैं अभी पीछे बैठता हूँ, तू आगे बैठ जा। तो मैं बोला ठीक है, भाई गाड़ी चला था, मैं आगे बैठ गई और पिताजी पीछे बैठ गए। गाड़ी वापस चालू हो गई, गाड़ी की स्पीड 110, उसी स्पीड पे हम चले जा रहे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई मैं पिताजी को और भाई को बोलना स्टार्ट हो गया जिसका फ़ोन आया था सहेली का, वो अनुभव और बापू के बारे में सब बताना चालू हो गया। बातें करते करते हम इतने मजरूम हो गए थे कि लोनावला टोल कब आ गया पता भी नहीं चला। लोनावला टोल आने पर भाई ने इमीडिएटली वो टोल पे लड़का रहता है उससे पूछताछ की कि अभी आगे क्या सिचुएशन कैसी है, जैसे हमें मुंबई की रोड पे जाना है। तो टोल वाले ने कहा नहीं साहब आगे सब क्लियर है। बस आगे क्लियर सुन के हम और भी फ्रेश हो गए, बोला चलो अभी जब घर पहुँच जाएंगे कम से कम 11 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। उसी स्पीड में वापस गाड़ी 110 की रफ्तार पे आ रही थी। अचानक से गाड़ी कि भाई की तरफ नज़र गई और गाड़ी की स्टिप बस उसके वो जो स्टेयरिंग है वो जो घुमाया जा रहा था उसका पूरा कंट्रोल छूट गया। जैसे ही कंट्रोल छूट रहा देख रही थी तो मेरा जो हाथ है, ये जो हम हमेशा बापू का लॉकेट गले में पहनते, ऐसे टाइट पकड़ रहा था और एक तरफ से मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया। जो कुछ महसूस हो रहा था कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसे किसी भी सिचुएशन में अपने बापू अपने साथ रहते, ये लॉकेट पकड़ के मैंने बापू को अपने साथ ही रखा था। जो भाई चिल्ला रहा था कंट्रोल छूट गया, जो स्पीड से गाड़ी जा रही थी 110 120, उसके बढ़कर वो जो सेंटर ऑफ रोड थी वहाँ से घसीटते घसीटते सी शेप में बिल्कुल डिवाइडर की तरफ गई। डिवाइडर की तरफ जाके भी डिवाइडर के ऊपर ढप ढप करते उस ऑपोजिट से ही गई जहाँ से लोनावला की तरफ गाड़ियाँ जा रही थी। वहाँ उस तरफ जाते गाड़ी पलटी मार के घूम गई, जैसे भंवरे के माफत वो घूम गई। घूमने के बाद उसी स्पीड में वो आगे घसीटती हुई गाड़ी में, जब ही गाड़ी एक बिल्कुल रुक गई तो देखा कि मैं ऐसे रस्ते में बिल्कुल रोड पे लगी हुई थी। पीछे क्या सिचुएशन मालूम नहीं भाई। गाड़ी रुकते ही मैंने जस्ट आवाज़ दिया पिताजी की आवाज़ आई, मैं ओके बेटा, और देखा तो सारी कांचे इधर उधर बिखरे हुए, भाई ऊपर मेरी तरफ पीछे ऐसे बेल्ट लगाने की वजह से ऊपर लटक रहा है, पिताजी बाहर पीछे है। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे सारी 20 लोग जमा हो गए और सिर्फ एक आवाज़ कान में सुनाई दे रही थी, घबराओ मत हम लोग हैं। मैं ऐसे ही पोजीशन में थी, ये जो लॉकेट था हाथ में टाइट वही थी। उतने में पीछे से आवाज़ आई लोगों की कि उन्होंने डैडी को दोनों हाथ से खींच के निकाल के लिया था और भाई को जगाने की कोशिश कर रही थी। मेरा ध्यान से
सिर्फ दाऊ की तरफ, और जो कान में आवाज जा रही थी लोगों की कि जागे हुआ जागे हुआ, जाग जाओ जाग जाओ, क्योंकि जो भाई को बहुत शौक लगा था, शौक की वजह से इंसान का शरीर लूज हो जाता है, शरीर लूज होने की वजह से जो लोग उनको खींचने की कोशिश कर रहे थे वो भी पूरी तरह से खींच नहीं पा रहे थे। तो 5 की जगह 10 जनों ने हाथ लगा के भाई को निकाल लिया। तो फिर उन लोगों में से मुझे आवाज दी किसी ने कि बाबा बहन जी आप ठीक है, आप खड़े हो सकते हैं? तो मैंने अपनी तरफ भी देखा, हाँ बोला मैं ठीक हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ। मैं उसी इसमें लॉकेट को हाथ में पकड़ के खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद जैसे लोगों ने मुझे बताया कि कैसे स्टेयरिंग पे पैर रखना है, कैसे गाड़ी के ऊपर आप यहाँ रखोगे और छलांग लगाओगे, सब लोगों के इंस्ट्रक्शन वजह से मैं वहाँ से कूद के गाड़ी के बाहर आ गई। ये सब होते वक्त फिर पब्लिक में से आवाज़ आने लगी कि आपकी परमात्मा की बहुत सारी पुण्याई आपके साथ है। तो मैंने फटक से ये लॉकेट था जो ऐसा पकड़ा हुआ था, मैंने उसे खोला, बोला देखो ये है, ये अनिरुद्ध बापू है, ये अनिरुद्ध जोशी है, इनकी वजह से मैं बची हुई, इनकी वजह से हम तीनों को किसी को चोट नहीं आई है। इतनी गाड़ी टूटी हुई है, कांच है, रस्ते पे तेल है, गाड़ी पलटी मारी हुई है, लेकिन हम तीनों को देखो, हम तीनों खड़े हैं, किसी के बदन पे स्क्रैच नहीं, ये मेरे दाऊ, ये मेरे बापू हैं। तो पुलिस वाला सामने आया, बोला हाँ सही में आप लोगों की बहुत अच्छी पुण्याई है। फिर एक पुलिस वाला बोल रहा है, बहन जी अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस एक्सीडेंट में कोई बचा नहीं, पर आपका एक्सीडेंट है और जो आप तीनों से, मैंने कहा हाँ हम लोग तो तीनों से, देखो हमारे बचाने वाले यही पे है। वो फ़ोन निकाल के उन्होंने मुझे हाथ में दिया, डैडी के हाथ में फ़ोन दिया, भाई के हाथ में, बोला बोले घर वालों को बताओ। मैंने कहा घर वाले तो मेरे घर वाले तो यही है, मैं किसे क्यों फ़ोन करूं, मेरे घर वाले सही यही है, इसीलिए तो मैं खड़ी हूं। तो ये सब होने के बावजूद फिर डैडी को देखा तो डैडी अपनी मम्मी को फ़ोन करने जा रहे थे। तो मैंने कहा मम्मी को फ़ोन मत कीजिए, मामी 2 महीने से अभी हॉस्पिटल से आई हुए। डैडी की तरफ गई, डैडी को बोला डैडी बिल्कुल घबराइए मत, देखो हमें कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी की तरफ देखिए ही मत, कुछ भी नहीं, हमें जो बचाने वाला है वो अपने साथ है। तो हम जो एक फ़ोन करते हैं घर वो बताते हैं एक्सीडेंट हो गया है, ये एक्सीडेंट शब्द है जो कितना घर वालों को परेशान करता है, कितने टेंशन में होंगे। तो डैडी भी बोले हाँ बेटा बिल्कुल सही है, रात के 10:30 बजे हैं, अभी किसी को फ़ोन करना भी उचित नहीं। डैडी ने भी फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नीचे रखा। भाई भी बोला हाँ ठीक है। जैसे ही 2-5 मिनट में देखा तो वहाँ पे एम्बुलेंस आ गए, 2 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, और 2 पुलिस की गाड़ियाँ एम्बुलेंस में हमें लेके चेक किया गया, देखा तो कहीं किसी को चोट नहीं है। फिर जो टोल की गाड़ी आती है, टोल की गाड़ी ने उठा के गाड़ी को चेन लगा के गाड़ी को सीधा कर दिया गया, सीधा करके देखा तो पूरी गाड़ी डैमेज। तो एक गाड़ी वो जो गैरेज वाले लोग नहीं रहते, उन्होंने गैरेज में गाड़ी में जाके बैठ के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, जैसे ही चाबी घुमाई पूरे ऑयल जलने का आया, तो ऑयल जलते उन्हें वापस स्टार्ट किए तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसी गाड़ी को लेके उन लोग गैरेज वाले पूरी उस क्रॉस करके ऑपोजिट सड़क आए, तब तक हम लोगों को स्टडी किया गया। फिर हमें बोला कि आप लोग अभी ठीक है, देखो हमें नीचे लोनावाड़ा घाट से उतर के वहाँ तक छोड़ दिया गया। फिर बोले अभी ये गाड़ी आप बिल्कुल अगर होश में है ठीक है ले सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसी गाड़ी में हमें बिठा के जो 10:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है, 12:30 बजे मैं खुरला ईस्ट में नेहरू नगर में अपने बिल्डिंग के नीचे थी, उसी गाड़ी में बापू सुखरूप सही सलामत सब लोगों को घर लेके आए। घर आने के बाद डैडी और मेरे छोटा बेटा मेरे घर पे था, छोटे बेटे को देखे तो एकदम डर गया था, उसके आंखों में उसके चेहरे में पूरा डर नजर आ रहा था। तो उसे बोला कि बापू साथ में है तो क्यों चिंता कर रहा है, तो बोला नहीं मम्मी चेक कर कहीं चोट तो नहीं, बोला नहीं बेटा कहीं नहीं। डैडी को मैंने गर्म पानी नहाने के दिया, मैंने गर्म पानी से नहा लिया, डैडी को एक एप्पल खा के बोला सो जाइए, मैं बेटे को भी बोला तुम भी सो जाओ, मेरा बड़ा बेटा बाहर गया था। वो आने के बाद मैं बोला उसे बताऊंगी, किसी को सामने बताने में जो है ऐसे बताने से कोई भी डर जाता है। ये सब होने के बाद जो डैडी सो गए, बेटा सो गया, जिस बापू की छवि जो अपने घर में रहती है, जिस फोटो जो तस्वीर जिसे हम दिन रात देखते रहते बातें करते रहते, उस फोटो को मैंने अपने गले से लगा लिया, वो फोटो को लेके मैं गोदी में बैठ गई, और जो मैं रोने लगी तभी मेरा कंट्रोल पूरा निकल गया और उस बापू से बोली जा रही थी कि तूने कैसे किया, क्या किया। ये जो बापू हमेशा बोलते रहते हैं कि
से बच्चों मेरे याद रखना कि कोई भी मुसीबत आए, हमेशा बापू बोलते हैं कि कोई भी मुसीबत आए तो वो इतना याद रखना कि मुसीबत इतनी है और मेरा बापू बहुत बड़ा है। तो यही मुझे ध्यान में आ रहा था, मैं बापू से क्या बोले जा रही थी वो भी मुझे पता नहीं, बस आँखों से पानी बरस रहे, फोटो भी मैं बापू की तरफ देखे जा रही हूँ। ये जो कंट्रोल उसने दिया, कैसे शक्ति दी, कैसे इस उलझन में पता नहीं सुबह की किरण की राह देख रही थी कि सब सुबह का किरण हो, मैं गुरुक्षेत्र में जाऊँ, उस बड़ी आई को बोलूँ कि देख तेरे बेटे ने अपनी बच्ची को कैसे सही सलामत लाया है, और मैं सुबह जैसी सुबह हो गई, सुबह की किरण होते ही मैं भागी भागी कुरुक्षेत्र में आई। कुरुक्षेत्र में आके बड़ी आई के सामने बहुत सारा अम्बद्य कहा और मोटी आई को कहा कि देख तेरे बेटे ने उसकी बेटी को कैसे सही सलामत आया, दादी तेरी पोती बिल्कुल सामने सही सलामत है, वो तो खड़ी है लेकिन उसके पिताजी और उसके भाई को भी कोई चोट नहीं आई, हम सही सलामत घर पहुँचे हैं, यही मेरा बापू का प्यार है, यही मेरे बापू है। हरिओम श्री राम अम्बद्या।